अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, एसटीएस के थ्रू एसएसयू, जूनियर क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल, उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स थी जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी काफ़ी। उसके बाद जो है, अब मैंने दो दिन पहले भी आपको बताया था कि इसका टेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसका टेस्ट क्राइटेरिया तो आ गया है, लेकिन इसका पेपर किस टाइप का होगा वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीएस की वेबसाइट पर, एसटीएस की अनाउंसमेंट पर। तो इन्होंने जो है सैम्पल पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिया है फॉर वेरियस पोस्ट एट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। तो इसको हम व्यू करते हैं। इसको व्यू करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल का हम देखते हैं कि इसका सैम्पल पेपर किस तरह का है। तो उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिशियन पे आएंगे, फिर जो है जूनियर क्लर्क पे आएंगे। तो ये सैम्पल पेपर डाउनलोड होगा, उसके बाद इसमें जो टेस्ट क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर आपने क्राइटेरिया नहीं देखा तो पहले आप क्राइटेरिया देख सकते हैं वीडियो के थ्रू भी, उसके अलावा एसटीएस के अनाउंसमेंट में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो इस पेपर को देखते हैं, तो ये पेपर है जिसमें इंग्लिश पार्ट वन है जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पर प्लूरल ऑफ द वर्ड बंच इज डैश, ठीक है, बंच इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ स्वीटेस्ट इज डैश, स्वीटर आर स्वीटेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है पार्ट टू में हमारे पास मदर टंग सिंधी और उर्दू। अब जो है सिंधी में मिसाल के तौर पर हेठन माड़ो जुमलो चूंडियो जैमें काब ज़बर ज़ेर न अचे, ठीक है। उन खां पोइ आहे ॿारो अचो त गौर करियूं, इन जुमले खे पंहिंजे लफ़्ज़नि में बदिलायो। उसमें उसके अलावा उर्दू में है शहर मदीना का पुराना नाम है डैश, सूबे सिंध में हर साल सफ़र में जिस शायर का मेला होता है उनका नाम है डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद हमारे पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 4 + 7 - 2 ये सिंपल मैथमेटिक्स है, लाजमी नहीं कि इतनी सिंपल आए, लेकिन मैथमेटिक्स में से ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मेनली सिंपल ही आते हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल के आए, एसएसयू के भी सिंपल टेस्ट होंगे। उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है द फिगर दैट कम्प्लीट्स द पैटर्न। पैटर्न जो कंप्लीट करती है वो फिगर आपने जो है ढूंढनी है। जैसे पहले के जो है वो राइट साइड पे, फिर लेफ्ट पे, फिर ऊपर, तो अब जो है इसमें से कौन सी आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको ऑप्शन चूज़ करें तो फोर नंबर जो है ऑप्शन फोर नंबर, ठीक है, फोर नंबर अगर आपको इसको लगाएंगे यहाँ पर तो ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, ये इसी में से सेम चेंज चूज़ करनी है। उसके बाद जो है फिर हमारे पास है रीजनिंग और एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, यहाँ पर जो है रीजनिंग। अब पहले हमारे पास एक जो है ब्लू है, फिर ट्री है, फिर ब्लू पता नहीं क्या चीज़ है, फिर ट्री है, ब्लू है, ट्री है, तो अब क्या आना चाहिए, ब्लू, और उसके बाद जो है ट्री। तो इस ऐसा कोई चूज़ करेंगे जिसमें ब्लू भी हो और उसके अलावा ट्री भी हो, इस तरह ये भी इसी का ऑप्शन है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस होंगे आपने वहाँ से सिलेक्ट करने होंगे। तो ये इसके एसएसयू के टेस्ट सिलेबस था। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिशियन के है, इलेक्ट्रिशियन में हम देखेंगे तो सिर्फ इसमें बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का जो है कोर्स है यानी इलेक्ट्रिशियन के जो 15 एमसीक्यूज़ हैं वो चेंज होंगे जो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से होंगे, बाकी जो है बाकी पूरा का पूरा पेपर ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आप अगर चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं करना चाहते तो वो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, वो हर कोई अपने पुलिस के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से चूज़ करेगा। अब पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ नोन एज डैश, मैग्नेटिक सर्किट, रिएक्टिव सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, पैरेलल सर्किट, एन इलेक्ट्रिक मीटर इज़ यूज्ड टू मेजर यूज्ड अमाउंट ऑफ डैश, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल है, बाकी सारे इंग्लिश सेम, उसके अलावा मदर टंग सेम है, ये जो है जनरल अवेयरनेस और बाकी सारी चीज़ें नीचे ऑलमोस्ट सेम है। फिर जूनियर क्लर्क में अब जो चेंजिंग है वो उसमें ये है कि उसमें सिर्फ कंप्यूटर एडिड है, यानी कंप्यूटर के जो है 10 to 15 एमसीक्यूज़ आपके पास होंगे जो कि आपने यूज़ Ctrl+Z टू डैश, Ctrl+Z, लोकेट द स्पेल चेक ऑप्शन इन MS वर्ड। तो जिनको पता होगा कंप्यूटर का, जिन्होंने कोर्स किया होगा तो इसमें आएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो ये इसका सिलेबस है। उसके अलावा इसकी तैयारी करनी है, अगर आपको 10 से 15 दिन है आपके पास, वैसे तो 15 दिन है, तो इसके लिए मैंने जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर आपको डेली के बुनियाद पे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। उसकी जो है फ़ीस है 200 रुपये है, जो कि आप 3 महीनों के लिए आप उस ग्रुप में रह सकते हैं, ठीक है। तो आपने 200 रुपये पे करने हैं और उसके अलावा जो है लगातार अगले जो भी दिन होंगे तो इंटरव्यू के हवाले से या जो भी प्रोसीजर होगा 3 महीने में वो आपको सारा बताया जाएगा। उसके अलावा टेस्ट के जो है एमसीक्यूज़ भी रोज़ाना की बुनियाद पर मैं शेयर करता रहूंगा। तो होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।